बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो भारत के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की झलक दिखाती है। अगर आप किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन की झलक देखना चाहते हैं तो ये फिल्में जरूर देख सकते हैं, और ऐसे में हम आपको उन्हीं फिल्मों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सुनिए फिर गौर से। लिस्ट में पहली फिल्म है दिल चाहता है। जी हाँ, ये उन फिल्मों में से एक थी जिसमें सबसे पहले गोवा की खूबसूरती और रोड ट्रिप की अहमियत दिखाई गई थी। यकीनन इस फिल्म को और भी कई वजहों से याद किया जा सकता है, लेकिन तीन दोस्तों की गोवा ट्रिप कौन भूल सकता है। गोवा के बीच क्रूज और खास तौर पर अगोड़ा फोर्ट, जहां तीनों दोस्तों को बैठे हुए समुद्र की ओर झांकते हुए दिखाया गया था। इस फोर्ट पर दिल चाहता है स्टाइल में फोटो खिंचवाने के लिए आप भी वहां जा सकते हैं और लोग भी जाते हैं। नंबर टू, रोड। अभय देओल की फिल्म थी रोड, जो राजस्थान की वो झलक दिखाती है जो कई फिल्में मिस कर जाती हैं। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से परे इस फिल्म में एक रंग बिरंगा ट्रक ही म्यूजियम जैसा लगता है। इसके अलावा ये राजस्थान का वो हिस्सा दिखाती है जहां बीहड़ ग्रामीण इलाके हैं, लेकिन फिर भी ये अलग तरह का रंग अपने अंदर समेटे है। नंबर थ्री इडियट्स। साल 2009 में आई इस फिल्म में दिल्ली की सड़कें शिमला के चैल पैलेस और वुडविल पैलेस होटल, रिज रोड, तांका बेंच आदि फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स इस फिल्म में दिखाए गए हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। रोड ट्रिप, दिल्ली दर्शन और फिल्म के क्लाइमेक्स में शूट किया गया लद्दाख का सीन तो अब लद्दाख टूरिज्म का हिस्सा बन चुका है। यकीनन अगर आपको लद्दाख की खूबसूरती का कुछ हिस्सा देखना है तो इस फिल्म में देखा जा सकता है। नंबर फोर, हाईवे। साल 2013 में रिलीज हुई आलिया की इस फिल्म में कश्मीर के कुछ खास हिस्सों को दिखाया गया है, साथ ही हिमाचल को भी दिखाया गया है। हिमाचल की सांगला वैली और कश्मीर की अरू और चंद्रावली वैली को दिखाया गया है। आलिया और रणदीप हुड्डा जिस तरह से पहाड़ों की सैर करते दिख रहे हैं वो मन को मोह लेगा। इस फिल्म को देखते समय आपको लगेगा कि आप यकीनन इन रास्तों की सैर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स भी बहुत ही अच्छे से इसमें दिखाए गए हैं। नंबर फाइव, चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस वैसे तो बहुत सारी वजहों से फेमस है। वो उन पहली कुछ फिल्मों में से एक थी जो 100 करोड़ नहीं 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी, वो भी काफी कम समय में। लेकिन एक बात जो इस फिल्म में खास थी वो थी साउथ इंडिया का दर्शन। इस फिल्म में गोवा के दूध सागर फॉल्स के साथ साथ केरल का मुन्नार भी दिखाया गया है। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त जो भी सीन दिखाए गए हैं वो दक्षिण भारत के अलग अलग डेस्टिनेशन के हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।